खरगोन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गाइडलाइन उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस ने एक धर्मशाला को अस्थायी जेल बना दिया। हम आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद जिले में शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। वहीं जारी आदेश में रंग पंचमी को पूरी तरह फीका कर दिया, साथ ही बिना मास्क बाहर निकलने वालों को अस्थायी जेल भेजा गया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वासकेल ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर अस्थायी जेल जाना पड़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये जो है आपको पता है हमारे खरगोन जिले में कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ रही है। इस कारण से शहर में 144 भी लगा हुआ है। आज रंग पंचमी को देखते हुए निर्देश भी शासन स्तर प्राप्त हुए हैं कि सभी लोग होली अपने घर में मनाएं, परिवार के साथ मनाएं। कहीं भी कोई सार्वजनिक रूप से या गैर के रूप में होली नहीं मनाना। आज ऐसी पंचमी व्यवस्था में हमारे सभी जगह फिक्स पॉइंट लगे हुए हैं, मोबाइल पार्टीज लगे हुए हैं। साथ ही हमने एक अस्थाई जेल भी बना रखी है। इसमें जो भी 144 का उल्लंघन कर रहा है या जो हुड़दम कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, उनको हम यहाँ अस्थाई जेल में ला रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको रखा हुआ है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी आगे भी। सर, ये और भी जगह अस्थाई जेल बनी है किसी नहीं बनी है? अभी तो एक ही जगह बनाई है हम लोगों ने और अगर जरूरत पड़ेगी तो और जगह बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।